तो दोस्तों, एवेंजर्स एंड गेम को रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है और शायद अब तक हर किसी ने इस मूवी को देख लिया होगा, पर बहुत से लोगों को ये मूवी पूरी तरह समझ में नहीं आई क्योंकि 3 घंटे की इस मूवी के पीछे पूरे 11 साल की कहानी है और ये एक साइंस फिक्शन मूवी है, जिस वजह से इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज मैं आपको एवेंजर्स एंड गेम की पूरी स्टोरी समझाऊंगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है, बाय। इस मूवी की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर खत्म हुई थी। और अगर मूवी की शुरुआत होती है और हमें नजर आता है क्लिंट बार्टन यानी हॉकआई, जो कि एवेंजर्स का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। क्लिंट ने कुछ साल पहले एक कानून तोड़ा था जिसकी वजह से उसे हाउस अरेस्ट की सजा मिली थी और क्लिंट को उसके घर पे ही कैद कर दिया गया था। इसीलिए इन्फिनिटी वॉर में हॉकआई बाकी हीरोज की हेल्प नहीं कर पाया था। इधर क्लिंट अपनी फैमिली के साथ था और उधर थैनोस और एवेंजर्स की लड़ाई चालू थी। और जब थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके चुटकी बजाई, तब यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन के साथ क्लिंट बार्टन की पूरी फैमिली भी धूल बन गई। पहले तो क्लिंट को ये समझ में ही नहीं आया कि उसकी फैमिली कहां गायब हो गई, लेकिन जब उसे सब पता चला तब क्लिंट गुस्से के मारे पागल हो गया और उसने ये कसम खा ली कि अब वो दुनिया के सारे बुरे लोगों को मार देगा, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि बहुत से बेकसूर लोग बिना वजह ही धूल बनकर गायब हो गए, जबकि मरना तो बुरे लोगों को चाहिए था। इसीलिए क्लिंट बार्टन अपनी हॉकआई वाली पहचान छोड़कर एक नकाबपोश खूनी यानी रोनिन बन गया और वो अलग अलग देशों में जाकर वहां के बुरे लोगों को मारने लगा। इसके बाद हमें दिखता है स्पेस का सीन। टोनी स्टार्क और नेबुला, जो कि टाइटन पर जिंदा बच गए थे, वो दोनों एक स्पेसशिप से अर्थ पर लौट रहे थे। टाइटन की लड़ाई के दौरान वो स्पेसशिप खराब हो गया था, इसी वजह से वो काफी धीरे चल रहा था। इसलिए टोनी और नेबुला 22 दिनों से स्पेस में थे। उनका खाना पानी खत्म हो चुका था और ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था। टोनी पूरी तरह हिम्मत हार के मौत के इंतजार में सो गया। मगर कुछ देर बाद उनके स्पेसशिप के सामने कैरल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल आती है। कैप्टन मार्वल एक बहुत पावरफुल सुपर हीरो है। वो 1995 में अर्थ छोड़कर एक मिशन पर चली गई थी, पर जब 2018 में सब लोग धूल बनकर गायब होने लगे, तब निक फ्यूरी ने कैरल को एक इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया था। इसीलिए कैरल अर्थ पर वापस लौट रही थी, लेकिन रास्ते में उसे टोनी और नेबुला का स्पेसशिप दिख गया, तो वो उस स्पेसशिप को उठाकर अर्थ पर ले आई। अर्थ पे आने के बाद कैप्टन मार्वल को थैनोस के बारे में सब कुछ पता चला और फिर कैरल ने सभी हीरोज को ये आइडिया दिया कि उन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करके उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन वापस जिंदा हो जाए। और तभी सबको ये पता चलता है कि थैनोस ने 2 दिन पहले ही इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया है। जब थैनोस ने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म करने के लिए चुटकी बजाई थी, तब एनर्जी की एक ऐसी वेव निकली थी जिससे पूरा यूनिवर्स हिल गया था। और ठीक वैसी ही एक एनर्जी वेव स्पेस में दोबारा दिखाई दी, जिससे एवेंजर्स को ये समझ में आ गया कि थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया है। और उस एनर्जी सिग्नल की लोकेशन ट्रैक करके सभी हीरोज उस प्लेनेट पर पहुंच गए जहां पर थैनोस मौजूद था। यहां थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे। थैनोस ने सबको ये बताया कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स की शक्ति से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को ही खत्म कर दिया ताकि कोई भी उनका इस्तेमाल करके सब कुछ पहले जैसा ना कर सके। यहां थॉर ने गुस्से में आकर थैनोस को मार दिया। अब एवेंजर्स की सारी उम्मीद खत्म हो गई और हर कोई उदास होकर अपनी जिंदगी में वापस लौट गया। कैप्टन मार्वल फिर से स्पेस में किसी मिशन पर चली गई। थॉर ने अपने पुराने लोगों को जमा करके नॉर्वे में एक नया एस्गार्ड बसा लिया। थैनोस से हारने की वजह से थॉर काफी बदल गया। उसे नशे की लत लग गई और वो बहुत मोटा और कमजोर हो गया। ब्रूस बैनर, जो कि गुस्से में हरा होकर हल्क बन जाता था, उसने 1.5 साल तक खुद के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और हल्क की ताकत और अपने दिमाग को एक करके वो बन गया प्रोफेसर हल्क। कैप्टन अमेरिका ने एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया जिसमें वो दुनिया के बचे हुए लोगों को ये समझाने का काम कर रहे थे कि जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ो। टोनी स्टार्क अपनी बीवी और बच्ची के साथ सेटल हो गया। इसी तरह से पूरे 5 साल बीत गए और फिर सैन फ्रांसिस्को में एक अजीब सी घटना हुई। स्कॉट लैंग यानी एंटमैन, जो कि 5 साल पहले क्वांटम रेल्म नाम के एक डायमेंशन में गया था, वो अचानक वहां से बाहर आ गया। एंटमैन एंड द वॉस मूवी में क्वांटम रेल्म के बारे में डिटेल में बताया गया है। क्वांटम रेल्म यानी सब एटॉमिक लेवल एक ऐसी जगह है जहां के नियम हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहां पर टाइम भी बिल्कुल अलग तरह से चलता है। एंटमैन एंड द वॉस मूवी के एंड में एंटमैन एक एक्सपेरिमेंट के लिए क्वांटम रेल्म के अंदर गया था, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर आता, उसके सभी दोस्त थैनोस की चुटकी से धूल बन गए और स्कॉट अंदर ही फंसा रह गया। और अब 2023 में एक चूहे ने गलती से वो मशीन ऑन कर दी जिससे स्कॉट बाहर आ गया। और वहां से निकलने के बाद स्कॉट को ये पता चला कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई है। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि स्कॉट 5 साल तक क्वांटम रेल्म के अंदर था, पर उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो सिर्फ 5 घंटे से ही वहां था। फिर स्कॉट तुरंत ही अपने पुराने दोस्तों यानी एवेंजर्स के पास पहुंचा
और उसने सबको ये बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। स्कॉट ने कैप्टन अमेरिका को ये आइडिया दिया कि अगर वो क्वांटम रियल्म को अच्छे से समझ ले तो वो उसे एक टाइम मशीन की तरह यूज कर सकते हैं और सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं। और इसी आइडिया के साथ कैप्टन, ब्लैक विडो और एंटमैन टोनी स्टार्क के घर पहुंचते हैं, क्योंकि टोनी ही ये काम कर सकता था। लेकिन टोनी को ये डर था कि अगर वो टाइम के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो उससे उसकी बीवी और उसकी बेटी का अस्तित्व खत्म हो सकता है। इसीलिए टोनी उन सबको मना करके वापस भेज देता है। इसीलिए वो तीनों ब्रूस बैनर यानी हल्क के पास जाते हैं, जो कि अब प्रोफेसर हल्क बन चुका है। ब्रूस बैनर भी काफी इंटेलिजेंट है, इसीलिए वो टाइम मशीन बनाने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी टाइम मशीन ठीक से काम नहीं करती। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क अपना इरादा बदलकर टाइम मशीन पर काम शुरू करता है और वो कामयाब हो जाता है। फिर टोनी कैप्टन से मिलकर उनकी पुरानी शील्ड वापस कर देता है, जो कि उसने कैप्टन से झगड़ा होने की वजह से ले ली थी। नताशा क्लिंट को ढूंढते हुए टोक्यो पहुंचती है और वो क्लिंट को समझाकर वापस ले आती है। हल्क और रॉकेट थॉर को वापस लाते हैं। फिर शुरू होती है टाइम मशीन की टेस्टिंग। यहाँ कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर टाइम में पीछे जाकर थैनोस को मार दिया जाए या उसे रोक दिया जाए तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हल्क सबको ये समझाता है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पास्ट में कुछ भी चेंज करने से प्रेजेंट या फ्यूचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है और उस टाइमलाइन यानी उस रियलिटी का हमारी रियलिटी से कोई लेन देन नहीं होता। इसीलिए सब ये फैसला करते हैं कि वो पास्ट में जाकर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करेंगे और उन्हें अपने टाइम में लाकर उनका इस्तेमाल करेंगे। सभी हीरोज ग्रुप में डिवाइड होकर अलग अलग टाइम और अलग अलग लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क और एंटमैन 2012 के न्यूयॉर्क में जाते हैं, जब लोकी ने चित्तौरी आर्मी के साथ मिलकर अर्थ पे हमला किया था। उस टाइम पर न्यूयॉर्क में 3 इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद थे। टेसरे क्यूब में स्पेस स्टोन था, सेप्टर के अंदर माइंड स्टोन और आई ऑफ एगामोटो में टाइम स्टोन था। टोनी और स्कॉट टेसरे क्यूब लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां एक गड़बड़ हो जाती है और लोकी टेसरे क्यूब लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका कुछ मुश्किलों का सामना करने के बाद सेप्टर यानी माइंड स्टोन हासिल कर लेते हैं। हल्क टाइम स्टोन लेने के लिए सैंक्टम सैंक्टोरम जाता है, लेकिन तब टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास नहीं था, बल्कि वो उनकी गुरु एंशिएंट वन के पास था। एंशिएंट वन हल्क को ये समझाती है कि अगर वो इन्फिनिटी स्टोन्स को फ्यूचर में लेके जाएंगे तो उससे मल्टीपल टाइमलाइंस बन जाएंगी, जिससे बहुत कुछ बिगड़ सकता है। लेकिन हल्क एंशिएंट वन को ये बोलता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स का काम हो जाने के बाद वो उन्हें वापस उसी टाइम और उसी जगह पर रख देंगे, जिससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन फिर भी एंशिएंट वन टाइम स्टोन देने से मना कर देती है। पर जब हल्क उन्हें ये बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी मर्जी से थैनोस को टाइम स्टोन दिया था, तो एंशिएंट वन ये समझ जाती है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज की गलती नहीं, बल्कि ये उनका मास्टर प्लान है। इसीलिए वो हल्क को टाइम स्टोन दे देती है। कैप्टन अमेरिका और हल्क ने माइंड स्टोन और टाइम स्टोन तो ले लिया, पर टोनी और स्कॉट को स्पेस स्टोन नहीं मिल पाया। इसीलिए आयरन मैन और कैप्टन 1970 में जाते हैं, जहां टोनी अपने पिता से मिलता है और टेसरे क्यूब हासिल कर लेता है। इसके साथ ही कैप्टन वहां से एक्स्ट्रा पिम पार्टिकल्स ले लेते हैं, जो कि टाइम ट्रेवल के लिए जरूरी है और उनके पास उसकी कमी थी। थॉर और रॉकेट 2013 के एसगार्ड में जाते हैं रियलिटी स्टोन लेने के लिए। उस वक्त ईथर यानी रियलिटी स्टोन थॉर की गर्लफ्रेंड जेन फॉस्टर की बॉडी में था और जेन एसगार्ड में थी। यहां थॉर अपनी मां से मिलता है और रॉकेट जेन की बॉडी से ईथर निकाल लेता है। थॉर यहां से वापस लौटने से पहले अपना पुराना हथियार म्यूनिर अपने पास रख लेता है, ताकि अगर कोई मुसीबत आए तो वो आसानी से उसका सामना कर सके। हॉकाई और ब्लैक विडो 2014 में वार्मिर प्लैनेट पर जाते हैं सोल स्टोन लेने के लिए। सोल स्टोन हासिल करने के लिए उसकी कुर्बानी देना जरूरी है, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। क्लिंट और नताशा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों जानते थे कि अगर उनमें से कोई ये कुर्बानी देगा तो दूसरे को सोल स्टोन मिल जाएगा, इसीलिए वो दोनों ही अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आखिर में ब्लैक विडो अपनी कुर्बानी देती है और हॉकाई को सोल स्टोन मिल जाता है। नेबुला और रोडी 2014 में मोराक प्लैनेट पर जाते हैं पावर स्टोन लेने के लिए। यहाँ पर वो पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड को बेहोश करके उससे पहले पावर स्टोन ले लेते हैं। रोडी पावर स्टोन लेकर लौट जाता है, लेकिन जब नेबुला वापस लौटने की कोशिश करती है तब एक प्रॉब्लम आ जाती है। नेबुला एक ह्यूमनॉइड है, उसकी बॉडी और उसका दिमाग मशीन से बना है, इसीलिए फ्यूचर की नेबुला और पास्ट की नेबुला का दिमाग किसी तरह से आपस में कनेक्ट हो जाता है। और 2014 का थैनोस फ्यूचर वाली नेबुला की मेमोरी स्कैन करके अपना भविष्य जान लेता है और वो नेबुला को पकड़कर उसका टाइम ट्रेवल वाला डिवाइस छीन लेता है। थैनोस अपने साथी एबिनी मॉ की हेल्प से उस टाइम ट्रेवल वाले डिवाइस को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करवाता है, जिससे कि थैनोस की पूरी फौज भविष्य में जा सके। और फिर पास्ट वाली नेबुला फ्यूचर में जाती है, ताकि वो थैनोस के शिप के लिए रास्ता खोल सके।
इसी दौरान सभी हीरोज सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एक नए गाउंटलेट में फिट करते हैं, जिसे आयरन मैन ने बनाया था। हल्क उस गाउंटलेट को पहनने का फैसला करता है, क्योंकि उसके रेडिएशन को सिर्फ हल्क ही बर्दाश्त कर सकता था। और वो जैसे ही गाउंटलेट पहनता है, उसकी हालत खराब होने लगती है। थैनोस बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की ताकत को संभाल पाया था। लेकिन हल्क थैनोस जितना पावरफुल नहीं है, इसीलिए उसका बुरा हाल हो गया। पर ऐसी हालत में भी उसने चुटकी बजाई और सभी धूल बने हुए लोगों को वापस जिंदा कर दिया। यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन वापस आ गई और सबकी एज अभी भी उतनी ही थी जितनी की 5 साल पहले थी। हल्क बुरी तरह घायल हो चुका था, और इससे पहले कि वो संभल पाता, तब तक थैनोस और उसकी आर्मी वहां पहुंच चुकी थी, और उन्होंने तुरंत ही एवेंजर्स के हेडक्वार्टर पे हमला करके उसे बर्बाद कर दिया। अब थैनोस बहुत गुस्से में आ चुका था, और उसने ये फैसला कर लिया कि वो इन्फिनिटी स्टोन से पूरे यूनिवर्स को ही खत्म कर देगा और एक नया यूनिवर्स बनाएगा जहां के लोग उसकी पूजा करेंगे। फिर शुरू होती है एक जोरदार लड़ाई। दूसरी तरफ 2014 की गमोरा फ्यूचर की नेबुला का साथ देती है और पास्ट वाली नेबुला मारी जाती है। थैनोस और उसकी आर्मी के सामने सारे हीरोज कमजोर पड़ जाते हैं, और फिर उन हीरोज की एंट्री होती है जो कि 5 साल पहले धूल बन गए थे। हल्क के चुटकी बजाने से वो सब जिंदा हो चुके थे। डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत पहले ही फ्यूचर देख लिया था, इसीलिए वो जानते थे कि आखिरी जंग कहाँ होने वाली है। इसीलिए वो वकांडा की सेना, दुनिया के सारे जादूगर, एसगार्डियंस और सारे हीरोज को लेकर उस जगह पर पहुंच गए। और फिर कैप्टन मार्वल भी लड़ाई में साथ देने के लिए वहां आती है। यहां पर थैनोस उस नए गाउंटलेट को हासिल करना चाह रहा था, और सभी हीरोज उसे रोकने में लगे हुए थे। लेकिन फिर थैनोस को वो गाउंटलेट मिल ही गया, और तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन को एक इशारा किया, जिससे टोनी को ये समझ में आ गया कि यही वो इकलौता मौका है जिसमें थैनोस हारेगा। फिर आयरन मैन ने थैनोस से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स छीन लिए, और उसने अपने आर्मर से एक नया गाउंटलेट बनाकर उसमें सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लगा दिए और चुटकी बजा दी, जिससे थैनोस और उसकी आर्मी धूल बनकर गायब हो गए। लेकिन चुटकी बजाने से आयरन मैन भी बुरी तरह घायल हो गया और वो मर गया। फिर टोनी स्टार्क का फ्यूनरल होता है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। इसके बाद थॉर वेलकरी को एसगार्ड की जिम्मेदारी सौंपकर गार्डियंस के साथ स्पेस में चला जाता है। एवेंजर्स ने ये डिसाइड किया था कि इन्फिनिटी स्टोन्स का काम हो जाने के बाद वो उन्हें वापस उसी टाइम और उसी जगह पर रख देंगे जहां से उन्हें लिया था। इसीलिए कैप्टन अमेरिका सभी इन्फिनिटी स्टोन्स और थॉर के हथौड़े म्यूनिर को लेकर पास्ट में चले जाते हैं, पर वो वापस नहीं लौटते। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर कैप्टन अमेरिका बर्फ में जम गए थे और वो 70 साल बाद होश में आए थे। कैप्टन अपने जमाने में पूरी तरह जी नहीं पाए थे, इसीलिए अब उन्होंने टाइम मशीन का यूज करके पास्ट में रुकने का फैसला कर लिया। कैप्टन ने जब सभी इन्फिनिटी स्टोन्स और म्यूनियर को सही जगह पर रख दिया, तब वो 1945 में गए और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड पैगी कार्टर से शादी कर ली और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताई। लेकिन ये सब एक दूसरी टाइमलाइन यानी दूसरी यूनिवर्स में हुआ, और इससे मेन यूनिवर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जब कैप्टन बूढ़े हो गए, तब वो वापस मेन टाइमलाइन में आए और उन्होंने अपने दोस्त सैम विल्सन को एक नई शील्ड दी ताकि वो कैप्टन अमेरिका बनकर उनकी जगह संभाल सके। तो दोस्तों, ये थी एवेंजर्स एंडगेम की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।